हेलो दोस्तों, आप सबको पहले नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। टाइम बुरा है, मैं कोविड को लेकर के बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज हर इंसान ने इंडिया में और पूरी दुनिया में मैनेज करना सीख लिया है। मैं आज जो वीडियो करने जा रहा हूँ, दैट्स प्योरली अबाउट काइंड ऑफ हॉन्टिंग्स। मतलब ये जो मतलब भूत प्रेत को लेकर के बहुत सारी बातें बताई गई हैं, ये इंटरनेट पे भी है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ लोगों ने फेस किया होगा इसको, और रोज़मर्रा के ज़िंदगी में तो कई लोग करते हैं हमेशा, जिनको लगता है कि हाँ उनके साथ कुछ हो रहा है। फिर भी पहले कहूँगा कि ये वीडियो जो मैं करने जा रहा हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं किसी को डराने का या किसी के माइंड से खेलने का। मैं बात करने जा रहा हूँ काइंड्स ऑफ हॉन्टिंग। हॉन्टिंग का मतलब होता है, हॉन्टिंग जो वर्ड है ना, इसको बना दिया गया, मतलब भूत प्रेत आत्मा कि ये एक अपने किसी खास पर्टिकुलर रीजन के कारण यहाँ मतलब अर्थ पे आ रहे हैं और अपने अपने से रिलेटेड लोगों से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पे मैं बात करूँगा। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हाँ, हमारा मानना है एनर्जी एग्जिस्ट करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहता है कि जब एनर्जी बनाई नहीं जा सकती तो उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है, वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और जो कोई इंसान ज़िंदा होता है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, डेथ होने के बाद वो एनर्जी जाती कहाँ है। हॉन्टिंग का मतलब होता क्या है, मतलब इस तरह की जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो किसी क्या खास पर्पस से इस प्लेन में, इस अर्थ पे या हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है। मुझसे पूछेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूँगा हाँ करती है, लेकिन वो उसके कई सारे सर्कमटेंसेस होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जिसकी भी डेथ ट्रॉमेटिक सिचुएशन में हुई है, चाहे वो सुसाइड हो, चाहे वो मर्डर हो या एक्सीडेंट भी हो, तो पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ उसकी एनर्जी यहाँ पे ट्रैप्ड होकर के रह जाए। सबसे पहले तरह के हॉन्टिंग को कहते हैं इंटेलिजेंट हॉन्टिंग। मतलब इसमें कोई खास एक खास तरह का पर्पस को पूरा करने के लिए कोई उस तरह का पावर, उस तरह का एनर्जी, उस तरह की एनर्जी वो अपने आसपास के लोगों को आगाह करना चाहती है साइंस दे करके। उसमें कई तरह के साइंस हो सकते हैं, जैसे कभी छोटे मोटे ऑब्जेक्ट को मूव कर देना, उनको कुछ सुनाई देना, उनको मतलब ऐसा लगना कि कोई उनके पीछे खड़ा है, उनको लगना कि कोई उनको टच करके गया है। रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कोई कुछ ऑब्जेक्ट्स जो घर पे हैं, छोटे मोटे ऑब्जेक्ट, वो अपनी जगह से गायब हो जाते हैं, फिर बाद में वो मिल जाता है। वो कुछ नहीं, एक अटेंशन पाना चाहते हैं, क्योंकि वो जो कहना चाह रहे हैं, अब एक मैसेज देना चाह रहे हैं, उसको कोई सुन नहीं पा रहा है, उसको कोई समझ नहीं पा रहा है। मतलब जिंदा इंसान की बात कर रहा हूँ, वो समझ नहीं पा रहा बिल्कुल। उसके बाद आते हैं रेसिडुअल हॉन्टिंग पे। रेसिडुअल हॉन्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी की डेथ हो गई है, किसी की, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, 10 हो, या एक्सीडेंट हो गया। आप कह लीजिए कि एक प्लेन क्रैश हो गया है, सारे लोग बिल्कुल अवेयर नहीं थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशंस में थे, उनको लग रहा था कि उनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। फॉर एन एग्जाम्पल की फ़्लाइट मान लीजिए दिल्ली से लेकर के मॉस्को तक की होगी, और वो फ्लाइट बीच में फट जाता है अचानक से बिना किसी वार्निंग के। तो ऐसे केसेस में जो भी वहाँ पे डेथ्स हुई है, कैजुअल्टी हुई है, कैजुअल्टी नहीं बोलूँगा, फैटलिटी हुई है, मतलब लॉस ऑफ लाइफ, तो इस तरह की जो एनर्जी अगर एग्जिस्ट करती है तो वो रेसिडुअल बन जाती है। रेसिडुअल कहने का मेरा मतलब है कि ये इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें एक तरीके से इम्प्रिंट हो जाता है। ये उनका चीखना, चिल्लाना, कराना, जो भी लास्ट टाइम में उनकी सफरिंग हुई होगी,
चाहे वो प्लेन नीचे गिर रहा होगा या मिड एयर में ब्लास्ट कर गया। मिड एयर में ब्लास्ट करने का मतलब ये नहीं कि सारे बंदे उस टाइम ही ख़त्म हो गए। कम से कम 4 मिनट का टाइम लगता है प्लेन को नीचे गिरने में, अगर वो कम से आप कह लीजिए कि अपनी फुल हाइट पे है। एक मैं नॉर्मल 330 एयरबस की बात करता हूँ तो 41,000 फीट उसकी सीलिंग है। अगर वो फ्री फॉल भी करेगा तो उसको 4 मिनट लग जाएंगे अर्थ पे हिट करने में। तो वो जो सिचुएशन होता है ना, वो वहाँ पे बन जाता है ऐसा। और शायद ऐसा माना जाता है कि एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके बाद लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन ये सबको नहीं सेंस, ये हर लोग सेंस नहीं कर पाते, इसको बहुत खास लोग ही सेंस कर पाते हैं। देखिए, अगर आप सिक्स सेंस की बात करते हैं, सिक्स सेंस को मानते हैं हम इंसान, आप मैं, हमारी एक देखने की कैपेबिलिटी है, हर बैंड्स को देखने की कैपेबिलिटी है। हम विजिबल बैंड्स को देख सकते हैं, क्या हम इंफ्रारेड को नहीं देख सकते हैं? सुनने की हमारी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, हम 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। या हमारे लिए जो माइक्रोफोन्स भी बनाए गए हैं, चाहे वो ये कैमरा हो, चाहे आपका मोबाइल फोन का माइक्रोफोन हो, उसको डिज़ाइन किया गया है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक वो सुन सकता है। लेकिन 20 हर्ट्ज से नीचे, से 18 हर्ट्ज का जो साउंड होता है वो मोस्टली कोई नॉर्मल माइक्रोफोन कभी कैप्चर नहीं करता। उसके लिए बहुत स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं, एंड दोज काइंड ऑफ साउंड्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, आप क्या कहें उसको, आइसोक्रोनिक वेव कह सकते हैं या इंफ्रासोनिक साउंड कह सकते हैं। ये दोनों चीज़ें, और ये रिलेटेड है अर्थ के सिस्मिक एक्टिविटी से भी। जैसे जब अर्थ का, जैसे टेक्टोनिक प्लेट होता है, ये इंडियन प्लेट है, ये हिमालयन प्लेट है, जब ये टकराता है या कुछ हमारे इस पर फ्रिक्शन होता है तो ये कई 100 किलोमीटर नीचे हो रहा है लेकिन वो साउंड सुना ही नहीं देता। लेकिन ये सेंस किया जा सकता है 1000 किलोमीटर दूर एपिसेंटर से। मोस्टली जो इंसान होते हैं इसको नहीं सेंस कर पाते, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे खास जानवर हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ खास ऐसे बर्ड्स हैं जो कि सुन लेते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं। अब ये क्या है, इसीलिए हम इंसान कहते हैं कि उनके पास डेवलप्ड सिक्स सेंस है, क्योंकि वो सुन सकते हैं। एक साउंड का जो स्पेक्ट्रम है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, उसको कुछ जानवर सुनते हैं। एक साउंड का स्पेक्ट्रम है 20 हर्ट्ज से नीचे, उसको कुछ जानवर सुन सकते हैं। तो हम जो नहीं सुन सकते हैं, और अगर किसी इंसान ने अपने अंदर एक काबिलियत डेवलप कर ली है, उसके आसपास बॉर्डर लाइन पे जा करके उस तरह के साउंड्स को सेंस करने की, तो ये मान लिया जाता है कि हाँ, उस इंसान का जो सिक्स सेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब इसमें दो बात कहूँगा, जो समझदार है, जो इन बातों को समझते हैं, इन फेनोमेनास को समझते हैं, वो तो कहेंगे ठीक है, हाँ ये पॉसिबल है। लेकिन जो हर बात एब्रप्टली, मतलब अरे नहीं ऐसा नहीं होता, अरे ऐसा नहीं होता, कहाँ यार, पागल बना रहा है, मतलब उसको फिर पागल बता दिया कि वो पागल है। तो रेसिडुअल हॉन्टिंग में यही होता है कि एक तरीके का चीज़, कुछ लोगों को हमेशा ऐसा एहसास होता है किसी ऐसी जगह पे जाकर के कि यहाँ पे कुछ हुआ है, और बार बार वो डरता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। रेसिडुअल हॉन्टिंग इज समथिंग लाइक, कैसे एग्जांपल दूँ, बड़ा सिंपल मैं बताता हूँ। लाइक आप मान लीजिए थिएटर में अकेले बैठे हैं, आप एक हॉरर मूवी देख रहे हैं, उस हॉरर मूवी में बहुत सारे डरावने हॉरर सीन्स चल रहे हैं, आपको डर लग रहा है अंदर से, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आप बोलेंगे जिस उस मूवी में जिसको भी भूत प्रेत स्प्रिट दिखाया जा रहा, आप बोलेंगे उसको, तो क्या वो आपसे इंटरेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है, वो एक मूवी है। उसी तरीके से रेसिडुअल हॉन्टिंग होती है कि, और इसका रीज़न मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है, कहते हैं ना कि एक खास टाइम पे, खास दिन पे यहाँ पे एक लेडी दिखी साड़ी पहनी हुई, रोड से क्रॉस कर रही थी। कुछ लोगों का क्लेम होता है कि एक खास टाइम पे चिल्लाने की आवाज़ आती है किसी की कराहने की आवाज़ आती है। लोगों ने तो यहाँ तक बताया उनको गोली चलने की आवाज़ आती है किसी खास टाइम पे।
ऐसे दुनिया में बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो कि रेसिडुअल हॉन्टिंग, जिसको हम मानते हैं कि वो रेसिडुअल हॉन्टिंग है, उससे इंसान का कोई लेना देना नहीं है। आप कितना भी वहाँ चीखिए, चिल्लाइए, बात कीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके वहाँ पे कोई इंटेलिजेंस नहीं है, बस वो एटमोसफेयर में चल रहा है। एक आप क्या कह लो, आप ये कह लो साइकिल की तरह ये चल रहा है। हाँ, एक टाइम के बाद ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा, बिकॉज इस तरह की जो एनर्जी होती है ना, दे आर जस्ट लाइक ए चार्ज्ड कैपेसिटर। एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये धीरे धीरे डिके होने लगते हैं। अगर आप नहीं मेरी बात को समझ पा रहे हो, तो एक बार कैपेसिटेंस का एक बार लॉ देखना इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर पे जा करके, कि अगर आप उसको चार्ज कर देते हो तो उसको डिस्चार्ज करने का तरीका, या तो उसको शॉर्ट कर दीजिए दोनों टर्मिनल को, या उसको छोड़ दीजिए, एक टाइम के साथ उसका ग्राफ नीचा होता जाएगा जो उसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं। चलिए, ये तो बात हो गई रेसिडुअल हॉन्टिंग की। अब मैं आता हूँ पोल्टरजिस्ट एक्टिविटी पे। पोल्टरजिस्ट नाम सुन करके बहुत लोगों को डर लग जाता है, पोल्टरजिस्ट, कई मूवीज बन चुकी है इसके ऊपर। माना यह जाता है कि ये भूत प्रेत इस तरह के होते हैं, इस तरह के पावर्स होते हैं, जो कि बहुत नॉइजी होते हैं, सामान को फेंक देते हैं, दरवाजे खिड़कियां बहुत जोर जोर से बंद होते हैं, खुलते हैं। मैंने जो भी पढ़ा है आज तक इसके बारे में इंटरनेट पे, हूबहू तो कभी नहीं फेस किया ऐसा, 8-9 साल से मैं हूँ इस लाइन पे। हाँ, मिलता जुलता, ये दरवाजे का बंद हो जाना, लाइट का ऑफ हो जाना, कोई ऑब्जेक्ट मूव हो जाना, जैसे आप कह लीजिए एक लाइट सा चेयर है, हो सकता है चेयर यहाँ से यहाँ चला जाए आपके सामने बिना किसी इंटरवेंशन के, ऑब्जेक्ट मूवमेंट की बात है ये। वो भी नोटिस, उन नोटिस कराना चाहते हैं कि भाई नोटिस करो मैं हूँ यहाँ पे। ये भी एक बहुत बड़ी बहस वाली बात है कि लोग कहते हैं आपको कैसे आप गारंटी देते हो कि वो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हाँ, वो नुकसान पहुँचाएंगे तो उस तरह का साइन दे देंगे, जैसे कि स्क्रैचेस आ जाएं, या जैसे आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस सा फील होने लगे, आपको बहुत ज़्यादा डर लगने लगे। बट अगेन एक बात बोलूँगा कि अगर आपने डर पे कंट्रोल कर लिया तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भी बता रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ, ऑब्जेक्ट हॉन्टिंग। आपने कई डॉल्स का नाम सुना होगा, पूरी दुनिया में बहुत फेमस है कि ये डॉल है ये हॉन्टेड है, ये जगह ये हॉन्टेड है, ये बुक हॉन्टेड है, ये फला फला सामान है किसी का ये हॉन्टेड है। किसी जगह पे कुछ जैसे यूएस के कुछ म्यूजियम में कुछ पुराने ज़माने के स्वॉर्ड्स, वेपन्स, तलवार वगैरह कुछ रखे हुए हैं, तो वो हॉन्टेड है। हाँ ठीक है, पॉसिबिलिटी है। होता क्या है कि जब भी कोई इंसान कभी किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, मैं एक बात करता हूँ कोई कि कोई एस नाम का बंदा है, वो अपने किसी सामान से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, हो सकता है वो उसका बुक हो सकता है उसका फ़ोन हो जिससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसकी मॉम ने दिया हो, उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया हो, उसकी वाइफ ने दिया हो, उसके लविंग ब्रदर ने दिया हो, उसके डैड ने दिया हो, जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया है। और अनफॉर्चुनेटली अगर वो दुनिया में नहीं रहता है तो ये मान के चलता है कि नहीं, अब भी ये सामान, अब भी ये प्रॉपर्टी मेरी है। ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी भी आता है, आप मोबाइल कह लीजिए, बुक कह लीजिए, आप टेलीस्कोप कह लीजिए, कुछ भी, जो भी जिसको अच्छा लगता है, क्रिकेट या स्पोर्ट्स के जो सामान होते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा क्रिकेट पसंद था, किसी को हॉकी खेलना पसंद था, फुटबॉल पसंद था, हाँ ये हो सकता है। लेकिन फिर एक बात बोलूँगा कि अगर अभी कभी भी ऐसा कुछ होता है तो पोटेंशियली डैमेज कभी नहीं पहुँचाते हैं किसी को, ये कभी भी टारगेट नहीं करते हैं। ये देखा है मैंने, ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। एक बेसमेंट में मैंने बॉल रख दिया था और बॉल अपने आप मूव हो रहा था, लग रहा था कि प्रॉपरली उससे कोई खेल रहा है, बस उसका यही मकसद था कि वो खेले, जो उसकी विश थी कभी जब उस लाइफ में था। अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, अनटाइमली डेथ हो गई, अब उसे वही चीज़ लगता था कि हाँ मेरी आज ये इच्छा है, मेरा ये डिज़ायर है, इसको कोई तो फुलफिल करे। बॉल हल्का सा रख दिया था, वो आराम से खेल रहा था, एंड वो बच्चा था, छोटा बच्चा होगा 11-12 साल बताया गया था, जैसा मुझे स्टोरी बताई गई थी वहाँ की और जो मेरे इन्वेस्टिगेशन में आया था। लेकिन लोग इससे डरते थे अपने आप ऐसे कुछ होके, डरने की बात नहीं है।
बात यही है कि वो हमारी तरह बात नहीं कर सकते ना, जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो माइक्रोफोन के जरिए, कैमरे के जरिए, वो इस तरीके से बात नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा वो एनर्जी लगा देंगे, वेस्ट कर देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग वॉइस आ जाएगी, कुछ रोबोटिक साउंड आ जाएगी, या हो सकता है कुछ चीखने चिंघाड़ने की आवाज़ आ जाएगी जब वो अपसेट होकर के ज़ोर से चिल्ला करके बोलेंगे, इससे लोग डर जाते हैं। बट वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, अपना मैसेज देना चाह रहे हैं। और मैं हाथ जोड़ करके बोलूँगा कि अगर आप किसी इंसान को जब जिंदा था उससे इतना प्यार करते हैं, और उसके डेथ के बाद अगर कोई उसको कहता है, आपको कोई कहता है कि हाँ इसका भूत है, ऐसा है वैसा है, घर पे इसको भगाओ ये वो, तो फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। एक वर्ड बोलूँगा, मतलबी। ऐसा नहीं हो सकता है कि जब वो जिंदा था तो बहुत बढ़िया था आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए, और मरने के बाद वो बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, कोई क्रिमिनल होगा, उसकी डेथ होती है, उसका इनकाउंटर होता है, उसको फांसी लगती है, तो आज भी उसकी थिंकिंग वैसे ही होगी, वो भी आज भी सोचेगा लोगों को बक करें, तंग करें, ये करें, वो करें। बट ये पता लग जाता है, ये चीज़, ये सारी बातें मालूम चल जाती है, इंडिकेशंस मिल जाते हैं ऐसे। और वीडियो को एंड करने से पहले बोलूँगा कि कौआ कितना भी टेलकम पाउडर लगा ले, ज़्यादा दिन अपने आप को वाइट सफ़ेद दिखा करके लोगों की आंखों में वो झोल नहीं झोंक सकता।